नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ हिमानी कल्याणे और आप देख रहे हैं महाकाल टुडे। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ खास खबरों पर। उज्जैन पुलिस कंट्रोल रूम पर आज शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नो व्हीकल जोन व एकांकी मार्ग पर ठोस निर्णय लिए गए। उज्जैन पुलिस कंट्रोल रूम पर आज शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से शहर के व्यस्ततम मार्गों को एकांकी व नो व्हीकल जोन, होटल, होमस्टे वालों द्वारा मार्गों पर वाहन खड़े करने पर रोक, क्षेत्रीय रहवासियों के लिए वापस पास जारी करना, दौलतगंज क्षेत्र में वाहन लोडिंग व अनलोडिंग का समय रात्रि में 11 से सुबह 5 बजे तक हो एवं विशेषकर ऑटो रिक्शा व ई रिक्शा चालकों का रूट तय हो व आपराधिक रिकॉर्ड वाले चालकों को बंद करना तथा ड्रेस कंपलसरी और खासकर पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं देने के निर्णय पर ठोस विचार किए गए। साथ ही साथ महाकाल कोट मोहल्ला व हरसिद्धि क्षेत्र में ई रिक्शा व ऑटो चालकों को प्रतिबंधित किया जाएगा। भ्रमण करवा सके और उसके बाद जब वो उज्जैन से वापस जाते हैं तो उज्जैन की एक अच्छी यादें लेके या उज्जैन की व्यवस्थाओं के लिए एक अच्छी सोच लेकर जाए कि उनके महाकाल के दर्शन या उनके उज्जैन भ्रमण, उज्जैन यात्रा बहुत ही सुखद और व्यवस्थित हुई है। कि हमारे यहाँ जो जनसंख्या है 6,18,000 की, कई बार जब बड़े त्योहार आते हैं, जो भी उज्जैन जिले के नागरिक हैं या जुड़े हुए हैं जो अपने खासकर सुझाव या सलाह देना चाहते हैं, तो लगभग हमने एक नंबर दिया था और एक हमने ईमेल आईडी दिया था, सोशल मीडिया के जो हमारे प्लेटफॉर्म से उसको हमने बताया था कि इस पर आप सुझाव दे सकते हैं, तो लगभग 200 लोगों से ऊपर और 800 सुझाव ऐसे थे जो विभिन्न माध्यमों से हमारे पास आए और जो डॉक्यूमेंट हमारे पास तैयार हुए वो लगभग 250+ पेजेस का था। तो कहीं ना कहीं ये चीज को रिफ्लेक्ट करता है कि जितने भी लोग यहाँ पे निवासरत हैं, आकर यहाँ जो रखते हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज को समझते हैं, इसको चुनौती मानते हैं। उज्जैन जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम व पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इन सभी बिंदुओं पर जल्द ही सख्त कदम उठाते हुए सभी नियमों का पालन पूर्ण करवाया जाएगा ताकि उज्जैन शहर में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो और यहां से लौटते समय वहां लोग अपने साथ में उज्जैन शहर से एक अच्छा संदेश लेकर लौटें। उज्जैन जिले में अब से एक सप्ताह पूर्व एक मुहिम शुरू की गई थी, आपका शहर आपके सुझाव। इसमें विभिन्न जो एज ग्रुप्स हैं और विभिन्न जो जेंडर है उन्होंने लगभग 800 के ऊपर सुझाव और सलाह भेजे थे और लगभग 250 पेज का एक डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है। तो इन सभी सलाहों पे क्रमवार तरीके से जो सबसे इजीली इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं उनको आने वाले समय में हम लोग इन्फोर्स करेंगे। देखो, ट्रैफिक आज की तारीख में सबसे ज्वलंत इशू है और ये ऐसी समस्या है जिसके लिए समन्वित काम की जरूरत है। आज ये बैठक जितने स्टेक होल्डर थे सबको बुलाई गई है और उनसे सुझाव भी लिए गए, बहुत ही अच्छे सुझाव आए। इन पर धीरे धीरे अब काम शुरू करेंगे फेज वाइज और निश्चित तौर पर ये लगातार काम करने से इसमें सुधार होगा।